वेलकम बैक टू माय चैनल रुतुस को होम पैशन। तो आज हम ब्रेकफास्ट में बनाएंगे ये पास्ता। एकदम सिंपल तरीके से देसी स्टाइल पास्ता बनाएंगे, बहुत ही झटपट बन जाता है और मॉर्निंग में कम टाइम में ये बहुत ही जल्दी बनने वाली एक रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं, इसे कैसे करके बनाते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को दबा देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं, इसे कैसे करके बनाते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए तो यहाँ पे हमने ये वाली पास्ता लिया है। तो पहले हमने यहाँ पे पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ये पानी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है और अब हम जो पास्ता है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, फिर हम पास्ता को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो ये देखिए पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, ये नरम हो चुका है। ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे और फिर हम इसको फ्रेश वाटर से इसको पहले थोड़ा सा धो लेंगे। फिर हम इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से धो लिया है थोड़ा सा ठंडा पानी से। इसके अंदर थोड़ा सा हमने तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे क्या होगा ये चिपकेगा नहीं। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। तो कढ़ाई में हम यहाँ पे एक बड़ा चम्मच तेल लिया है, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल गर्म हो गया है, अब हम यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है। तो यहाँ पे दो प्याज लिया है हमने, इसको ऐसे चॉप कर लिया है। एकदम ही इजी है और ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगेगा। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। तो प्याज को सर्व करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे प्याज जो है वो जल्दी से पक जाएगा। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ये कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए प्याज की कलर चेंज हो गई है। तो अब हम इसके अंदर सॉसेस डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रीन चिली पेस्ट लिया है, ग्रीन चिली प्यूरी, वो हमने ग्रीन चिली सॉस वो हमने इसमें एक बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है। आप अपने हिसाब से डालना, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है तो इसे डालने से कोई कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे हमने अब रेड चिली सॉस लिया है, तो रेड चिली सॉस हमने यहाँ पे ये दो चम्मच लिया है। आपका आप जितना पास्ता लेंगे उसी हिसाब से ये सॉस, आप अगर पास्ता ज़्यादा हो तो सॉस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। और इसी टाइम पे हम थोड़ा सा और टमाटो केचप जो है वो हम डाल देंगे भर के। तो ये थोड़ा ज़्यादा डालना, ये खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे को भी ये बहुत पसंद है केचप वगैरह। तो यहाँ पे हमने तीन चम्मच भर के केचप डाला है। तो गैस की फ्लेम एकदम ही लो फ्लेम पे है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम जो पास्ता है वो हम इसे इसके अंदर डाल देंगे और पास्ता को अच्छे से इस केचप के साथ हम मिक्स करेंगे। ये एकदम ही देसी स्टाइल है, तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हो। ये सबके घर में ये केचप और सॉस रहता है, तो आप ये इजीली बना सकते हो। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर धनिया पत्ता डालेंगे। तो इसके अंदर ज़्यादा करके हमने धनिया पत्ता डाल दिया है और इसको हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। तो ये हमारा एकदम ही तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने सर्व कर लिया है, दिखने में बढ़िया लग रहा है और खाने में भी
भी बहुत ही टेस्टी हुआ है, तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना और कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को दबा देना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।